नमस्कार दोस्तों, 18 मई की रात की बात है। 24 साल का एक आदमी अनीश और 24 साल की एक औरत अश्विनी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाते हैं पुणे के एक क्लब में। वैसे तो ये दोनों जबलपुर के रहने वाले थे मध्य प्रदेश से, लेकिन साथ में ये एक आईटी कंपनी में काम कर रहे थे पुणे में। जिस क्लब में ये जाते हैं उसका नाम है बॉलर, और इस जगह से करीब 3 किलोमीटर दूर इसी रात को वेदांत और उसके 12 दोस्त कोसी नाम के एक पब में मिलते हैं। समय था रात के 10:40 जब वेदांत और उसके दोस्त इस पब के अंदर आए, और सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने जमकर पैसे उड़ाए कि खाने पानी का बिल 48,000 रुपए पहुंच गया। इस समय की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग पब्लिक के लिए अवेलेबल है, जिसमें आप देख सकते हो वेदांत और उसके दोस्त शराब पी रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह कि वेदांत की उम्र 18 साल से कम है, मिनिमम ड्रिंकिंग एज लिमिट से कहीं ज्यादा नीचे। रात के करीब 12 बजे ये पब वेदांत और उसके दोस्तों को सर्व करना बंद कर देता है, तो ये लोग इस पब को छोड़कर बाहर निकलते हैं। ये कुछ किलोमीटर दूर मैरियट सुइट्स के एक क्लब में जाते हैं ब्लैक नाम से। ये जगह भी करीब 3 किलोमीटर दूर थी उस क्लब से जहां पर अनीश और अश्विनी अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे। रात को करीब 2 बजे के आसपास वेदांत अपने 2 दोस्तों के साथ इस ब्लैक क्लब से बाहर निकलते हैं और शराब के नशे में अपनी इलेक्ट्रिक पोर्शे टाइकान की गाड़ी में बैठते हैं। इस गाड़ी में इनके घर के ड्राइवर भी मौजूद होते हैं। रात के करीब 2:30 बजे अनीश और अश्विनी भी अपने घर वापस लौट रहे थे साथ में एक मोटरसाइकिल पर बैठकर। इनकी मोटरसाइकिल कल्याणी नगर एयरपोर्ट रोड पर एक यू टर्न लेती है कि तभी दूसरी तरफ से वेदांत की पोर्शे आती है एक पिस्तौल की गोली की तरह। एक भयंकर एक्सीडेंट होता है और कुछ ही पल में अनीश और अश्विनी की मौत हो जाती है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इस गाड़ी की स्पीड 160 किलोमीटर/आवर थी, तो कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये 200 किलोमीटर/घंटा से ज्यादा तेज दौड़ रही थी। सीसीटीवी फुटेज में आप इस रोड का साइज देख सकते हो, ये कितनी छोटी सी रोड है। इस टकराव के बाद इस गाड़ी की एयरबैग्स खुल जाते हैं और वहां आसपास खड़े लोग इस कोलिजन स्पॉट पर पहुंचते हैं। भीड़ के साथ थोड़ी धक्का मुक्की और सवाल जवाब के बाद वेदांत को पुलिस के हाथों में सौंप दिया जाता है वहां खड़े लोगों के द्वारा। ये सोचते हुए कि 2 लोगों की जान लेने के जुर्म में इस ड्राइवर को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाएगी, लेकिन ये सारे लोग इस बात से अनजान थे कि इस केस में आगे क्या क्या अजीबोगरीब होने वाला था। वेदांत अग्रवाल को ले जाया जाता है येरवाड़ा पुलिस स्टेशन, और इस घटना के सिर्फ 1 घंटे बाद एमएलए सुनील टिंगड़े रात के 3 बजे वहां पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। सोचकर देखो दोस्तों, एक एमएलए रात के 3 बजे अपनी नींद से उठकर पुलिस स्टेशन जा रहे हैं एक लड़के के लिए। क्या किसी साधारण आम लड़के के लिए कोई भी एमएलए ऐसा करेगा क्या? नहीं। असल में बात क्या है कि वेदांत अग्रवाल एक बड़े ही रईस खानदान का लड़का है। उसके पिता बड़े जाने माने बिल्डर हैं विशाल अग्रवाल, जो कि रियल एस्टेट कंपनी ब्रह्मा कॉर्प को ओन करते हैं। सुनील टिंगड़े अजीत पवार की एनसीपी के एक एमएलए हैं, जो कि आज के दिन बीजेपी के साथ अलायंस में है। टिंगड़े बाद में न्यूज लॉन्ड्री को एक इंटरव्यू में बताते हैं कि इन्होंने इस केस को वहां पहुंचकर किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं की। ये तो उस रात को इसलिए पहुंच गए वहां पर क्योंकि ये इस परिवार को पिछले 30 सालों से जानते हैं और इन परिवार के लोगों को ये अपना दोस्त मानते हैं, इसलिए ये मदद करने पहुंचे क्योंकि इन्हें कॉल करके बुलाया गया। ये कॉल एक्चुअली में वेदांत अग्रवाल के पिता विशाल अग्रवाल ने करी थी। अगली दोपहर येरवाड़ा पुलिस स्टेशन पर एक और बड़ी दिलचस्प घटना घटती है। एक मर्सिडीज की गाड़ी आती है, उसके साथ कुछ और गाड़ियां आती हैं, और उस मर्सिडीज की गाड़ी से एक बंदा बाहर निकलता है हाथ में 6-7 पिज्जा के कार्टन लिए। पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद कुछ रिपोर्टर्स ने इस चीज को रिपोर्ट किया कि अंदर पूरी दावत रखी जा रही थी, पिज्जा खिलाया जा रहा था। सुबह के करीब 6 बज जाते हैं जब तक सुनील टिंगड़े स्टेशन से बाहर निकल कर आते हैं, और कुछ घंटे बाद 8:26 पर 19 मई को एक FIR फाइल करी जाती है वेदांत के खिलाफ। किस सेक्शन पर इस FIR को दर्ज कराया जाता है वो अपने आप में एक अलग कॉन्ट्रोवर्सी है। इसे सेक्शन 304A के अंडर फाइल किया जाता है, ना कि सेक्शन 304 के अंडर। इन दोनों सेक्शंस में कुछ बुनियादी डिफरेंसेस हैं। सेक्शन 304A है डेथ बाय नेग्लिजेंस, यानी कि आपकी गलती की वजह से किसी की मौत हो गई। इस सेक्शन में मैक्सिमम पनिशमेंट है 2 साल की जेल। लेकिन दूसरी तरफ सेक्शन 304 कहता है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। इसमें कल्पेबल होमिसाइड का मतलब है कि आप ये जानते थे कि अगर आप ये गलती करोगे तो इससे किसी की मौत हो सकती है, और फिर भी आपने ये गलती करी, हालांकि ये मर्डर नहीं है।
इसीलिए कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, क्योंकि मर्डर में एक डायरेक्ट इंटेंशन होता है किसी को मारने का, यहां वो नहीं है। इसलिए इस सेक्शन 304 की मैक्सिमम पनिशमेंट है 10 साल की जेल। तो 304A और 304 में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, आपकी नॉलेज आपकी गलती को लेकर। आप जानते हो आपकी गलती की वजह से किसी की मौत हो सकती है, या फिर आप नहीं जानते कि आपकी इस गलती की वजह से किसी की मौत हो सकती थी। अब आप ही बताओ दोस्तों, क्या आज के दिन कोई भी इंसान ऐसा होगा जो ये ना जानता हो कि शराब के नशे में गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट हो सकते हैं और किसी की मौत हो सकती है? कोई भी इंसान ऐसा है जो ये ना जानता हो कि इन इंटरनल सिटी की छोटी सड़कों पर 200 किलोमीटर की स्पीड पर गाड़ी चलाने से किसी की जान जा सकती है? इसलिए ये सवाल उठता है कि 304A क्यों फाइल किया गया और 304 क्यों नहीं फाइल किया गया? क्या यहाँ MLA सुनील तिंगड़े का कोई इन्फ्लुएंस था इस रेकमेंडेशन में? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब बात अगर गाड़ी पर आए तो वहां अपना एक अलग इशू है। इस Porsche Taycan गाड़ी का जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन है वो मार्च के महीने से पेंडिंग था। मिस्टर अग्रवाल ने 1758 रुपीस की फीस पे नहीं करी थी, इसीलिए एक्सीडेंट के वक्त इस गाड़ी के पास कोई नंबर प्लेट भी नहीं थी। वेदांत के दादाजी से हमें पता चलता है कि ये गाड़ी वेदांत के लिए एक तोहफा थी। FIR पर वापस आए तो वेदांत का एक ब्लड टेस्ट करवाया जाता है पुलिस के द्वारा, और यहाँ नोट करने वाली बात ये कि कितने बजे इस ब्लड टेस्ट को करवाया जाता है, सुबह के 11 बजे, उस इंसिडेंट के करीब 8 घंटे बाद। अब डिपेंडिंग अपॉन आपने कितनी शराब पी रखी है, आपकी ब्लड स्ट्रीम में अल्कोहल 6 से 12 घंटे तक रहती है। यहाँ क्योंकि ब्लड टेस्ट 8 घंटे बाद कराया गया तो शायद आप एक्सपेक्ट करोगे कि पॉजिटिव आया होगा ब्लड टेस्ट, लेकिन नहीं, ये ब्लड टेस्ट नेगेटिव आया। और इसके पीछे कारण है कि यहाँ एक और धांधली हुई। जिस हॉस्पिटल में जाकर इस ब्लड टेस्ट को कराया गया, जिस डॉक्टर ने इस ब्लड टेस्ट को कराया, उसने असली ब्लड सैंपल कचरे के डब्बे में फेंक दिया और इसे एक दूसरे ब्लड सैंपल से रिप्लेस कर दिया। यानी कि ऐसे सैंपल पर ये टेस्ट हुआ जो कि ऑलरेडी साफ था। अग्रवाल परिवार ने इस एक ब्लड टेस्ट के लिए 3 लाख रुपए की रकम दी थी 2 डॉक्टर्स को। NDTV की वेबसाइट पर ये आर्टिकल देख सकते हैं, जिसके सोर्सेस के अनुसार यहाँ 3 लाख रुपए की रिश्वत दी गई डॉक्टर्स को ताकि वो ब्लड सैंपल्स बदल दें। इनके नाम है डॉक्टर अजय तवारे और डॉक्टर श्री हरि हलनोर। इन दोनों को अब अरेस्ट किया जा चुका है पुलिस के द्वारा। ये धांधली करने की कोशिश यहाँ खत्म नहीं होती। पुणे पल्स के इस आर्टिकल को देखिए। वेदांत अग्रवाल की माता जी ने अपने ड्राइवर से रिक्वेस्ट किया कि इस पूरे क्रैश का ब्लेम वो अपने सर पर ले ले। वेदांत के दादाजी तो एक स्टेप और आगे चले गए, उस ड्राइवर को धमकाने लगे ये कहकर कि तुझे मानना पड़ेगा उस रात को तू ही गाड़ी चला रहा था। पर थैंकफुली उस रात को इतने सारे विटनेसेस मौजूद थे कि ऐसा कोई स्टंट अटेम्प्ट नहीं करा जा सका। लेकिन इसके बाद आती है सबसे शॉकिंग चीज इस केस में, जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बेल देता है वेदांत को। बेल देते वक्त कहा जाता है कि वेदांत को सारे रूल्स और रेगुलेशन स्टडी करने पड़ेंगे और एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी पड़ेगी। साथ ही साथ वो एक 300 शब्द का ऐसे लिखे रोड एक्सीडेंट एंड सॉल्यूशन के टॉपिक पर। बताओ, यहाँ पर इसने गाड़ी चलाकर 2 लोगों की जान ले ली और पनिशमेंट के तौर पर इसे कहा जा रहा है कि 300 शब्द का ऐसे लिखो। ये चीज इतनी शॉकिंग थी कि जब ये खबर आई पब्लिक में तो देश भर में हंगामा मच गया। सोशल मीडिया पर लोग बड़े तरीके से आउटरीच करने लगे। The Pune Porsche tragedy is concerned that sent shockwaves across the nation. The minor who was driving a speeding Porsche that was granted bail within 15 hours of his detention, something that is unheard of. Ameer ghar ka beta Porsche gaadi ko sharab pee ke chalata hai aur 2 logon ki hatya karta hai, to use kaha jata hai ki aise likh de. Look at the ease at which the accused get away because of their political or social connections. Do you feel it's all a lost cause? Kya justice ab ek joke bankar reh gaya hai aur rahi zado ke liye hamari jaan ki keemat kya cockroach se bhi kam ho gayi hai? जनता के गुस्से की वजह से पुलिस पर दबाव आया और इसी रीजन से पुलिस ने 20th मई को सेशंस कोर्ट मूव किया। उन्होंने कोशिश करी कि वेदांत को एक एडल्ट की तरह ट्राई किया जा सके और सेक्शन 304A को 304 में मॉडिफाई किया जा सके। सेशन कोर्ट्स ने रिटर्न में कहा कि पुलिस इस चीज के लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को अप्रोच करे। साथ ही साथ पुलिस ने डिसाइड किया कि इस केस में और लोगों को बुक किया जाए। तो कोजी पब के जो ओनर थे उनके पिता, मैनेजर, इन्हें बुक किया जाता है और साथ ही में ब्लैक रेस्टोरेंट के मैनेजर्स को। इनमें से 3 लोगों को जब रिमांड एप्लीकेशन के लिए कोर्ट में ले जाया गया तो जज SP पोंगशे एक बड़ी ही अजीबोगरीब स्टेटमेंट देते हैं। ये कहते हैं कि सड़कों पर लोग क्या करेंगे, जो लोग बड़े बड़े पब्स में आते हैं वो घर पैदल चलकर तो नहीं जा सकते, वो गाड़ी चलाकर ही घर जाएंगे। तो शराब बेचने वाले को पता होना चाहिए कि कितनी अल्कोहल वो अपने कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं और उसके लिए एक लिमिट डिसाइड करी जाए। ये लॉजिक समझ में आया दोस्तों कि पब्स में आने वाले लोग तो पीकर ही गाड़ी चलाएंगे, तुम पब वालों को ध्यान देना चाहिए किसको कितनी पिला रहे हो। मेरी राय में ये एक बहुत ही अजीब स्टेटमेंट है और मुझे ऐसा लगता है ये एक तरीका था वेदांत और उसके परिवार के ऊपर से ब्लेम हटाकर
पब ओनर्स पर ब्लेम डालने का। पब वालों की गलती यहाँ पर सिर्फ इतनी है कि उन्होंने एक अंडर एज लड़के को शराब सर्व करी और इसके लिए एक फर्जी आईडी कार्ड दिखाया गया था वेदांत की तरफ से, या फिर उन्होंने बिना आईडी कार्ड के ही शराब सर्व कर दी। इससे पता लगेगा जांच करने के बाद कि कितनी गलती उनकी है। इन लोगों के अलावा, क्योंकि पुलिस के ऊपर प्रेशर था, पुलिस अब वेदांत के पिता विशाल अग्रवाल पर भी FIR दर्ज करती है। सेक्शन 75 लगाया जाता है जो कि है विलफुल निग्लेक्ट ऑफ अ चाइल्ड और एक्सपोजिंग अ चाइल्ड टू मेंटल और फिजिकल इलनेस, और सेक्शन 77 सप्लाइंग अ चाइल्ड विद इंटॉक्सिकेटिंग लिकर और ड्रग्स। इसके अलावा सेक्शन 3, सेक्शन 5 और सेक्शन 199A भी लगाया जाता है ऑफ द मोटर व्हीकल्स एक्ट। वेदांत को बिना लाइसेंस के गाड़ी ड्राइव करने दी गई। 20 मई को एक और ट्विस्ट आता है कहानी में, जब खबर आती है कि विशाल अग्रवाल भाग निकले हैं, बेटे को जैसे जैसे बेल दिलाकर खुद भागने की कोशिश करते हैं। एक नया सिम कार्ड खरीदा जाता है इस कोशिश में कि पुलिस इनका नंबर ट्रैक ना कर सके, लेकिन फॉर्चुनेटली ये चीज ज्यादा लंबी चलती नहीं है क्योंकि अगले दिन 21 मई को इन्हें औरंगाबाद में अरेस्ट कर लिया जाता है। इस समय तक इस केस के अगेंस्ट आउटरेज अपनी पीक पर पहुंच चुका था, लोगों में गुस्सा बहुत था और बड़े से बड़े नेता इस मुद्दे को उठा रहे थे। अगले दिन 22 मई को वेदांत को जुवेनाइल कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है और एक सेक्शन 185 और लगाया जाता है फॉर ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। पुलिस फिर कोर्ट से रिक्वेस्ट करती है कि वेदांत को एक एडल्ट की तरह ट्राई किया जाए, एक माइनर की तरह नहीं। अभी ये चीज देखनी बाकी है कि कोर्ट पुलिस की रिक्वेस्ट को मानता है या नहीं। अंटिल देन वेदांत को नेहरू उद्योग केंद्र ऑब्जर्वेशन होम के अंदर रिमांड कर दिया गया है येरवाड़ा में June 5 तक। यहां पर बात आती है एक इंटरेस्टिंग कानूनी टेक्निकलिटी की दोस्तों, जिसकी वजह से मुश्किल हो जाता है वेदांत को कड़ी सजा देना। हम सब जानते हैं किसी भी क्रिमिनल की उम्र जब 18 साल से कम होती है तो जो पनिशमेंट उसे दी जाती है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है। निर्भया केस में इस चीज को लेकर बहुत बड़ा हल्ला मचा था आज से 10 साल पहले, क्योंकि एक लड़का जिसने वो क्राइम किया था उसकी उम्र 18 साल से कम थी। जनता के प्रेशर में आकर सरकार इस कानून में एक अमेंडमेंट लाई 2015 में, द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। इसके अनुसार 16 से 18 साल के एज ब्रैकेट में अगर कोई इंसान हीनस क्राइम करता है तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का डिसीजन है वो चाहे तो उसको माइनर की तरह नहीं एडल्ट की तरह ट्रायल में ले जाए। हीनस क्राइम मतलब एक बहुत ही घिनौना क्राइम। ये एक ऐसा क्राइम है जिसमें मिनिमम जेल कम से कम 7 साल की होती है, फॉर एग्जाम्पल किसी का मर्डर करना। लेकिन इस स्पेसिफिक केस में, वेदांत के केस में प्रॉब्लम ये आती है कि IPC का सेक्शन 304 भी कोई मिनिमम सेंटेंस नहीं देता है जेल का। मैक्सिमम सेंटेंस है 10 साल का, लेकिन कोई मिनिमम सेंटेंस नहीं है। इसलिए इस IPC के सेक्शन में भी ये हेनस क्राइम की कैटेगरी में नहीं आता है। और इत्तेफाक की बात है कि वेदांत की एज 18 साल से सिर्फ 4 महीने कम है। लीगल भाषा में कॉन्सेप्ट होता है डोली इन केपेक्स का, यानी द एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा माना जाता है कि एक सर्टन एज से कम उम्र के बच्चे इंटेंशनली अपनी मर्जी से कोई क्राइम नहीं कर सकते, इसलिए उन बच्चों के लिए जो पनिशमेंट होती है वो सेम नहीं होनी चाहिए जो एडल्ट्स के लिए होती है। दुनिया भर के ज्यादातर देश इस फिलॉसफी का इस्तेमाल करते हैं अपने लीगल सिस्टम में। हालांकि ये एज कितनी है ये कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। कुछ देश हैं जो कहते हैं ये उम्र 6 साल होनी चाहिए, कुछ देश हैं जो कहते हैं 9 साल होनी चाहिए, कुछ कहते हैं 12 साल तो कुछ 15 साल। यही कारण है कि जब बच्चे क्राइम करते हैं एक सर्टेन एज से नीचे तो उन्हें पनिशमेंट नहीं दी जाती, बल्कि उन्हें अपने आप को रिफॉर्म करने का एक जरिया दिया जाता है। रिसर्च इस चीज को साबित करती है कि जब बच्चे खराब माहौल के अंदर बड़े होते हैं, जब पेरेंटिंग ढंग के तरीके से नहीं करी जाती, तो बच्चों की क्राइम करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर काउंसलिंग और सही एजुकेशन के जरिए रिफॉर्म करने का भी चांस होता है इन बच्चों को। लेकिन वेदांत जैसे लड़कों का क्या? एक अमीर खानदान में बड़े होने वाला लड़का जिसे वो सब कुछ मिला जो उसने चाहा, ढंग की एजुकेशन, पूरा परिवार, सारी प्रिविलेजेस, एक पोर्शे की गाड़ी भी गिफ्ट में मिल गई 17 साल की उम्र पर। इसलिए मेरा मानना है कि वेदांत को एक माइनर की तरह नहीं बल्कि एक एडल्ट की तरह ट्रायल पर रखा जाना चाहिए। लेकिन इस एक लीगल टेक्निकलिटी की वजह से वेदांत जैसे क्रिमिनल्स पहले भी बचकर निकले हैं। 2016 के इस केस को देखिए, 18वें बर्थडे से 4 दिन पहले एक 3-time रिपीट ऑफेंडर जुवेनाइल एक 32 साल के आदमी के ऊपर दिल्ली में गाड़ी चढ़ा देता है। पहले इस फैमिली का ड्राइवर सामने आता है कहकर कि वो गाड़ी चला रहा था, लेकिन बाद में वो अपनी स्टेटमेंट पीछे ले लेता है जब उसे पता चलता है कि विक्टिम की मौत हो गई इसमें। जून 2016 में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कहता है कि इस लड़के को एक एडल्ट की तरह ट्रायल पर रखा जाए, और ये बात बड़ी लॉजिकल थी क्योंकि 18 साल की उम्र से ये सिर्फ 4 दिन छोटा था और साथ ही साथ एक रिपीट ऑफेंडर भी था, बार बार इसने ये क्राइम किया था। लेकिन साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट इस चीज को डिनाई कर देता है कहकर कि सेक्शन 304 टेक्निकली एक हेनस क्राइम नहीं है, इसलिए इसे एक माइनर की तरह ही ट्राई किया जाए। अभी इस पुणे वाले इंसिडेंट के हो जाने से सिर्फ कुछ दिन पहले ही कानपुर में भी एक और ऐसा इंसिडेंट सुनने को आता है। 15 साल का लड़का 2 लोगों को मार देता है एक
मोटर एक्सीडेंट में अक्टूबर 2023 में। इस पर सेक्शन 304 लगने के बावजूद इसे आसानी से बेल मिल जाती है। इस साल मार्च के महीने में एक बार फिर से ये हिट एंड रन का एक्सीडेंट करता है और 4 लोगों को मारता है। एक बार फिर से इस पर सेक्शन 279338 लगाए जाते हैं, लेकिन बड़ी ही आसानी से ये बचकर निकल जाता है। फाइनली 22 मई को इसे अरेस्ट किया जाता है, जब पुणे वाले केस की खबर सोशल मीडिया पर फैल रही थी और लोगों में गुस्सा बढ़ रहा था। मेरा मानना है कि अगर कानून ऐसे लोगों को बार बार माइनर की तरह ही ट्रीट करेगा तो इन क्रिमिनल्स के पेरेंट्स पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देनी चाहिए। वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को 18 साल से कम की उम्र पर गाड़ी चलाने देते हैं बिना ड्राइविंग लाइसेंस के, वो पेरेंट्स जिनकी खराब पेरेंटिंग की वजह से बच्चे ये हरकतें करते हैं, और वो पेरेंट्स जिनकी इंटेंशनल गलतियों की वजह से लोगों की यहाँ पर जाने जाती हैं। अगर इन 15-17 साल के क्रिमिनल्स को उतनी सजा नहीं दे सकते तो कम से कम इनके पेरेंट्स को तो उतनी सजा दो, क्योंकि वो तो एडल्ट्स थे जिन्होंने अपने बच्चों को ये सब करने दिया। पुणे का ये केस दोस्तों हमारे देश के पूरे सिस्टम को एक्सपोज करता है, कैसे ऊपर से लेकर नीचे तक ये सारा सिस्टम बिका हुआ है। अमीर लोगों के लिए सब कुछ जायज है, अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। बिना लाइसेंस प्लेट के गाड़ी चला सकते हो, अंडर एज होकर शराब पी सकते हो, शराब पीकर गाड़ी को 200 की स्पीड पर भगा सकते हो, आपके क्राइम करने पर MLA आपकी मदद करने आएंगे, आपके रिश्वत देने पर डॉक्टर्स ब्लड सैंपल्स बदल देंगे, कोर्ट आपके क्राइम के बदले आपको एक ऐसे लिखने को कहेगा और सब माफ कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ है मिडिल क्लास, आम आदमी और गरीब लोग। एक आम आदमी चाहे देश में सारे रूल्स फॉलो करे, टैक्सेस टाइम पर भरे, एक आदर्श नागरिक बनकर रहे, किसी ना किसी दिन उसके घर पर बुलडोजर चल जाएगा। दुकान का कागज दिखा रहा हूँ, कोई अफसर नहीं आगे आ रहा देखने के लिए। अगर लीगल नहीं है तो फिर छोड़िए, कागज देखने को कोई तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट से डोमिनेशन का रोक लग गई है तो आप फिर भी क्यों तोड़ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का भी बात नहीं मान रहे हैं। बिना किसी कारण के पुलिस उस पर डंडे बरसाएगी, कभी किसी दिन किसी होर्डिंग के नीचे गिरने पर वो दबकर मर जाएगा, कभी उसे खराब दवाइयों की वजह से और मिलावटी खाने की वजह से कैंसर हो जाएगा, तो कभी किसी दिन सड़क पर चलते चलते किसी अमीर जादे का बेटा आकर उसे अपनी गाड़ी के नीचे कुचल देगा। यह है एक आम आदमी की जिंदगी हमारे देश में दोस्तों। बस एक चीज है, सिर्फ एक चीज जो न्याय और अन्याय की इस दूरी को कम कर सकती है, जो अमीर और गरीब के बीच इस फर्क को मिटा सकती है, एक ऐसी चीज जिसे पैसे देकर खरीदा नहीं जा सकता। ये है हम लोगों की एकता, जनता की आवाज। इस केस में वेदांत के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश करी जा रही है। उन डॉक्टर्स को अरेस्ट किया जा चुका है जिन्होंने ब्लड सैंपल बदलने की कोशिश करी। इस केस में अगर न्याय मिलने की उम्मीद है तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी आवाज उठाई। सड़क पर खून के छाप छोड़ने वाले इस अमीर बाप के बेटे को आज ये सिस्टम सिर्फ हमारी कलेक्टिव आवाज की वजह से बचा नहीं पा रहा है। यहाँ हम सब के लिए एक सबक है, ऐसे हर अन्याय के खिलाफ हमें हमेशा आवाज उठानी चाहिए। इस खराब सिस्टम से लड़ने का अगर कोई तरीका है तो वो यही है, जैसा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। लोगों में अवेयरनेस फैलाओ, अपनी आवाज उठाओ और अपनी एकता की ताकत दिखाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उसकी औलाद उसको प्यारी होती है, तो किसने ये हक दिया ये पैसे वालों को कि इस तरीके से गाड़ी चलाया जाए? अगर गाड़ी चलाते हैं तो हिसाब से चलाओ गाड़ी, एक लिमिट होती है गाड़ी चलाने की, उस लिमिट में चलाओ गाड़ी, इतना स्पीड में क्यों चलाने का? और ऐसे हादसे करने वाले लोग, ऐसा जो हादसा करते हैं दारू पीकर, इस तरीके से लापरवाही से गाड़ी चलाते, अगर हमें पता होता है कि ऐसे पुलिस वाले बचाने के लिए आते, अगर ऐसे MLA इन लोगों को बचाने के लिए आते हैं, तो आम पब्लिक को ये करना चाहिए, पब्लिक धुलाई कर करके वो बंदे को मार देना मांगता है। तो नेक्स्ट टाइम से इंसान गाड़ी चलाने के लिए सोचेगा, स्पीड चलाने के लिए सोचेगा, उनको लगेगा कि जगह पर अगर मैंने किसी का एक्सीडेंट कर दिया और वो सामने वाले की मौत हो जाती है तो पब्लिक धुलाई करके मुझे ख़त्म ही कर डालेगी, ये डर बैठना जरूरी है। ये डर बैठेगा तब गाड़ी की स्पीड लिमिट में आएगी, तब इंसान गाड़ी भी बराबर अपने लिमिट में चलाएगा, एक्सीडेंट से बचने की सोचेगा, क्योंकि उसको भी उसकी जान की फिक्र होगी। तो हाय दोस्तों, मैं शाहिद इंडिया से, मैं इसी तरीके के रिएक्शन वाले वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहूँगा, और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि दूसरे लोगों तक भी मेरा ये मैसेज पहुंच सके। और मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आप मुझे सपोर्ट प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, और इस तरीके के वीडियो मैं अपने रिएक्शन के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा।